हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल दोस्तों रुबेल और मैं आज आप सबके सामने आसम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन पेपर लेके आया हो सो so, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और देखिए अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी रुपए सर अकेडमी के साथ ज्वाइन हो जाओ सो so, ज्वाइन करने के लिए टू हंड्रेड रुपीज़ मतलब मंथली फ़ीस ये एडवांस में ले रहा हूँ हर मंथ पे टू हंड्रेड रुपीज़ से मतलब देना पड़ेगा सो so, पहले मंथ का एडवांस ले रहा हूँ सो so, टू हंड्रेड रुपीज़ पे करके थ्रू यू पी आई यानी फोनपे जीपे या पे टी एम से नाइन वन जीरो वन फोर सिक्स सेवन सिक्स फाइव थ्री फिर से बोल रहा हूँ नाइन वन जीरो वन फोर सिक्स सेवन सिक्स फाइव थ्री इस नंबर पे आप लोग पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना मेरा वाट्सअप नंबर है नाइन वन जीरो वन फोर सिक्स सेवन सिक्स फाइव थ्री ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ और जो पीडीएफ दे रहा हूँ अभी सो तो वो भी आपको प्रोवाइड कर सकूँ सो तो देखिए पहले पा पहले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तक डिस्कस किया आज हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी से डिस्कस करेंगे सो तो इससे आपको पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है सो देखिए नंबर ट्वेंटी यानी आज का फर्स्ट क्वेश्चन नेम द फर्स्ट टॉकी इन असामिस आसामिस का जो फर्स्ट ऑकिस वो कौन सा है सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी जयमती याद रखना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन सो देखिए इधर मल्टीलैंग क्वेश्चन पेपर है सो आप हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन देखेंगे स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाई सो ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन बी अरुणा आसफ अली एंड सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन सी भगत सिंह एंड राजगुरु ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू एंड चित्रंजन दास सो कौन सा राइट आंसर है आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए सो so, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू एंड चित्रंजन दास सो so, देखिए आप लोग अगर जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे उसके बाद हम लोग टॉपिक कवर करके उसके बाद मॉक टेस्ट शुरू करेंगे उस मॉक टेस्ट से आपको मतलब बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा जैसे लास्ट लास्ट जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कह सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने मॉक टेस्ट किया उससे ही आया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी आर्टिकल फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए द गोल गंबर्ड यानि गुम्बज द मुसलम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह इज लोकेटेड इन सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी बीजापुर याद रखना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देखिए व्हाट डस ए स्टैंड फॉर इन द उड़ान इनिशिएटिव ऑफ द देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सो देखिए उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक यानी सो नंबर ए का जो मीनिंग है वो है आम यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स हुज कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हिट टेन लाख करोड़ मार्केट वैल्यूएशन सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी रिलायंस इंडस्ट्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स हुच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इन करेक्ट सो देखिए विद रेफरेंस टू द डांस एंड इंडिया नेटिव स्टेट यक्षगाना ये कर्नाटका का है याद रखना सो इधर तमिलनाडु दिया ये गलत है क्षत्रिय आसम यस सही है मोहिनाट्टम केरला ओडिशी ओडिशा ये सही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन द ओनली रामसर साइट साइड वेटलैंड इन आसाम सो ऑप्शन ए दिफोर बिल ऑप्शन बी बोदलिनी ऑप्शन सी चांडुबी बिल ऑप्शन डी डिब्रू शैकिया सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी दिपोर बिल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट हुई ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज नॉट एसोसिएटेड विथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम सो देखिए ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये सही है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये सही नहीं है सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखिए बाकी मिनिस्ट्री ऑफ़ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये मतलब इस इनिशिएटिव का पार्ट है और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इस आ, जो अभियान इस है इससे रिलेटेड so, है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन देखिए द आसम मेडिकल कॉलेज इज सिचुएटेड सो ऑप्शन ए सिलचर ऑप्शन बी जोरहाट ऑप्शन सी गुवाहाटी ऑप्शन डी डिब्रूगढ़ सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जोरहाट याद रखना क्वेश्चन नंबर थर्टी जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है द मिशन इंद्रधनुष इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ एसोसिएटेड विथ सो राइट आंसर होगा ऑप्शन देखिए ए यानी इम्यूनाइजेशन सो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच आप लोग जल्दी से जल्दी रूबल सर अकेडमी के साथ ज्वाइन कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा सो थैंक यू सो मच